हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी टिकी और स्वागत है आपको अपने ही चैनल टिकीज टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो, ये एक्चुअली मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का डेकोरेशन है जो मैंने खुद किया था। तो यही डेकोरेशन कैसे मैंने किया और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिससे हम अपने ही घर पे एफोर्डेबल प्राइस में और एक रीच फील ला सकते हैं, वो सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको इससे मिल जाएगा। वीडियो से आप बहुत अच्छे से डेकोर करके बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यही चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, बहुत अच्छा डेकोरेशन आइडिया आपको मिल सकता है। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने स्पेस चूज़ कर लिया कहाँ पे मुझे डेकोरेशन करना है। उसके बाद मैं वाइट स्क्रीन से उसको कवर कर रही हूँ। ये वाइट स्क्रीन जो है मैंने खुद बनाया था। एक्चुअली वॉल, एक बड़ा सा वॉल के हिसाब से मैंने ये स्क्रीन बना लिया। बहुत जगह पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, काफ़ी ग्लो आता है इससे, शार्टिंग कपड़ा का है। उसके ऊपर देखिए, मैं ये एक जो कुछ भी मेरे पास था डेकोरेशन, मुझे लगा कि स्क्रीन की तरह हम लटका सकते हैं बैकग्राउंड में, तो मैंने लटका दिया। आपके पास क्या है आप देखिए, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से सोच के लगाइए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं एक्चुअली ये कर रही हूँ बिना वॉल को, बिना नुकसान किए, क्योंकि सेलो टेप वगैरह लगाते हैं तो वहाँ का कलर छूट जाता है। कुछ भी यहाँ पे मैं कुछ भी वॉल के ऊपर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे पीछे की तरफ से जो मैं स्क्रीन लगाई हूँ, वहाँ पे एक ग्रिल है, उसके ऊपर ही जो धागे में जितना वहाँ के पास जो किल है उसी से ही मैं ऐड करके जो कुछ भी कर रही हूँ। देखिए, ये एक्चुअली एक मेरा कपड़ा रैक है, उसी के ऊपर मैं बैलून वगैरह लगाऊंगी। वॉल में कुछ नहीं लगाऊंगी। पीछे के तरफ जो है मैं कुछ लाइट्स वगैरह लगा ली स्क्रीन के ऊपर, और ये जो हैप्पी एनिवर्सरी वाला आता है बैनर, उसको भी मैंने पीछे के तरफ चिपका लिया नहीं, उसको भी धागे की मदद से मैंने बांध लिया है। फिलहाल ये पीछे का बैकग्राउंड वाला सारा डेकोरेशन ख़त्म हो गया है, अभी रैक की तरफ चलेंगे। मैंने पहले ही झालर लगा दिया है बात करते करते आपसे, और बैलून डेकोरेशन के तरफ चलेंगे। देखिए, बैलून का फ्लावर मैं इसमें शेयर नहीं कर पाई हूँ, रिकॉर्ड नहीं की थी, मैं पहले ही इसका सारा फ्लावर बना ली थी। तो देखिए, अभी इसको कितनी ईजी तरीके से मैं एक धागे की मदद से इसे टक करते जा रही हूँ। ये एक्चुअली बहुत कम बलून्स में इतना अच्छा डिजाइंस बन गया। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, एक्चुअली ये रेक मेरे पास है बोल के मैं इसके ऊपर डेकोर कर दे रही हूँ बलून्स, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास ये रेक होना ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप पीछे वाला बैकग्राउंड में भी इसको आराम से यही सेम डिज़ाइन आप डेकोर कर सकते हो, बस सुई धागे की मदद लेनी पड़ेगी आपको। तो देखिए कितने अच्छे से डेकोर हो गया। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 फ़ोटो लगाए हैं, शायद ये देख के आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देती हूँ। एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स में 3 जन का एक साथ ही एक ही दिन में एनिवर्सरी था, तो मैंने कुछ इस तरह से सोचा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नए नए फ्रेंड्स मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा काम करने का स्पिरिट और बढ़ेगा, मैं और अच्छे से काम करके आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊँगी। ओके देन, बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, लव यू, टेक केयर।